चीन, पाकिस्तान, अब हो जाओ खबरदार, क्योंकि सागर के सीने को चीरकर अब भारत के पास ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु हथियारों से लैस होगी। देश की पहली परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी तैयार हो गई है। इसने पिछले 5 महीनों में ड्राइविंग ड्रिल्स और हथियारों के लॉन्च से जुड़े टेस्ट पास किए हैं। इसे अब नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल करने का फैसला सरकार को करना है। देश में निर्मित ये पनडुब्बी अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है और पिछले 5 महीनों में हथियारों से जुड़े बहुत से परीक्षणों में इसकी क्षमताएं साबित हुई हैं। अरिहंत नौसेना में शामिल की जाने वाली 5 न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन में से पहली है। नौसेना पिछले 5 महीने के दौरान अरिहंत से हथियारों के लॉन्च से बहुत से टेस्ट को गोपनीयता के साथ अंजाम देने में सफल रही है। इस पनडुब्बी को 700 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली 15 शॉर्ट रेंज मिसाइलों और 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इसने सभी टेस्ट पास किए हैं और बहुत सी चीजें हमारे अनुमान से बेहतर रही हैं। तकनीकी तौर पर पनडुब्बी को अब किसी भी समय नौसेना में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगर मोदी सरकार चाहे तो अरिहंत को अगले महीने की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जा सकता है। पनडुब्बी के साथ ही कम्युनिकेशन की सुविधा पहले ही नौसेना के पास मौजूद है। कभी अरिहंत क्लास की 2 और पनडुब्बियों पर विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में काम किया जा रहा है। ये पहली पनडुब्बी से ज्यादा बड़ी और एडवांस्ड होगी, मतलब अब भारत के समुद्र में शाही सवारी पनडुब्बी की होगी, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ जाएंगे।